जब आप खारी को जाए तो आप आइए सामईन मोहतरम, मैं एक शाहिद एक्सप्रेस के इफ्तिताह पर अपनी तरफ से दिली मुबारक देता हूँ। वो लोग जो दूसरों के लिए सहूलतों का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत काबिले तो जहाँ पहले मैं गया, ये वाह फैक्ट्री है जहाँ असलहा बनता है, तो मैंने पहली बात ये की कि पुराने ज़माने में असलहे के साथ नाम होते थे, यानी शमशीर हुसैन, यानी तेज इलाहाबादी। लेकिन अब तो नया असलहा बन गया है, लिहाजा नए नाम होने चाहिए। तो दो नाम निस्वानी और दो नाम मर्दाना मैंने तजवीज किया, और वो पहला नाम है निस्वानी, खातूनी नाम है जी, और वो है बुलेटुन्निसा बेगम। बुलेटुन्निसा बेगम और दूसरा नाम है पिस्टल परवीन। पिस्टल परवीन तीसरा नाम है, जरा साउंड देखी, मीज़ाइलुद्दौला। मीज़ाइलुद्दौला। और चौथा नाम अपने सौती एतबार से मैं समझता हूँ इन तीनों से आगे है, वो है रडार खान। असल में मैंने जब भी बात करता हूँ और बात किए बगैर रहता नहीं हूँ कि मेरा मज़मून फारसी है, और फारसी मेरा आपका भी हजार साल हाफिज़ा है, और हम जब तक फारसी से करीब नहीं होते इकबाल के करीब नहीं हो सकते। एक बात बड़े नुक्ते की बताऊं, इंडिया के एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने कहा, अब्दुल मुगनी उसका नाम था, उसने कहा इकबाल दुनिया का सबसे बड़ा शायर है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, भाई कोयटे भी है, डॉन्टे भी है, शेक्सपियर भी है, गालिब भी है, इकबाल कैसे सबसे बड़ा शायर हो गया। तो फिर मैंने गौर किया तो समझ में बात आई कि वो उस किताब का मुफस्सिर है जो हमारा ईमान है, जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब। ये गफलत है हमारे निज़ाम-ए-तालीम की कि हमें इकबाल से दूर कर दिया गया है। जब तक हम फारसी नहीं जानते हम इकबाल को पूरी तरह समझ नहीं सकते। आप तो जानते हैं हमारा तो कौमी तराना भी ज़्यादातर फारसी में, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो निज़ाम-ए-तालीम में ये मैं बात करता हूँ और करता रहता हूँ, ये करनी चाहिए। और याद रखिए जब तक हमें फारसी नहीं आती उर्दू पर भी हमारी गिरफ्त मजबूत नहीं हो सकती, ये बात है। एक कोरोने के बारे में है, हाँ फारसी की बात हो रही है, तो एक लफ्ज है फारसी का, सीख लीजिए, बर्गरीज। बर्गरीज का मतलब है पत झाड़, इसका मुतबादिल, जिसमें वो मौसम फाल जिसमें पत्ते गिरते हैं, उनके बगैर फसल बहार भी बर्गरीज, उनके बगैर फसल बहार भी बर्गरीज, वो साथ बैठ जाएं तो रिक्शा भी मर्सिडीज, वो साथ बैठ जाएं
तो रिक्षा विमर्श बीज और ये बाहमी कशिश का करिश्मा है दोस्तों। रिश्वत हमें अजीज है, रिश्वत को हम मजीज। और मेरी समझ में आ गया शहीद, मेरी समझ में आ गया सारा मामला। लड़की ने जब कहा किसी लड़के से बदतमीज, लड़की ने जब कहा किसी लड़के से बदतमीज। अरे कोरोने के बारे में बड़े आजिज तक तो ताजबाज है, बड़े आजिज है, ये मेरी बात नोट कर लीजिए, बड़े आजिज तक तो ताज वाले। कोई कैंसर ना कोई जम बड़ा है, बड़े आजिज तक तो ताज वाले। कोई कैंसर ना कोई जम बड़ा। चलो चल कर ये अमरीका से पूछे करोना या के एटम बम बड़ा। चलो चल कर ये अमरीका से पूछे करोना या के एटम बम बड़ा है। और गजब का तीर मोहलिक है करोना, मोहलिक है करोना। सभी जिसके निशाने बन गए, घरों पर ऐसी आफत आ पड़ी है, ठिकाने कैद खाने बन गए। घरों पर कैसी आफत आ पड़ी है, ठिकाने कैद खाने बन गए। गजब का तीर मोहलिक है करीन करोना जी। और ठिकाने के सभी जिसके निशाने बन गए हैं, सभी जिसके निशाने। घरों पर ऐसी आफत ता पड़ी है करोना जी, आफत ता ठिकाने कैद खाने बन गए। एक और कथा सुनिए, ये अपना फखर साहब को पसंद आया। इस करोना के दौर में अंबर, इस करोना के दौर में अंबर अपने, इस करोना के दौर में उनको अपने करतूत याद आते हैं। मुझ पाए मास्क पहने हुए हैं लोगों ने, एक दूसरे से मुंह छुपा पहने हुए हैं लोगों ने, एक दूसरे से मुंह छुपाते हैं। एक अखबार में आया कि ये रोज अखबार में आता है कि आज फलां दिन का चीज, फलां चीज का आलमी दिन है। अंदाजा करो एक दिन हमारे अखबारों में लिखा हुआ आज हाथ धोने का आलमी दिन है। उस कौम को बता रहे हो जिस पर पांच वक्त का वुजू फर्ज है। अंदाजा